हेलो मेडिकोज, बहुत ही गजब की चीज पता चली है आप लोगों के करियर के लिए और बहुत अर्जेंसी में मैंने ये फिर शूट करने का तय किया। देखो, ये ब्रांच के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, मुझे आश्चर्य है क्यों नहीं पता है। और इतनी बड़ी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वाली ब्रांच है ये कि आपके करियर में ये चार चांद लगा सकती है, आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। पूरा ध्यान से सुनिए इसे क्या बोलने वाला हूं। देखिए, 80 नंबर के एनेक्स पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। एनी ब्रॉड स्पेशलिटी एमडी और एमएस कैन डू व्हाट डीएम जेनेटिक्स। तो सोचिए आप कितनी पावरफुल लाइन है कि आपको अपनी मनपसंद ब्रांच किसी वजह से अभी नहीं मिल रही है। सपोज एमडी मेडिसिन नहीं मिली आप रुकी हो, एमडी डर्मा नहीं मिली या पीडिया नहीं मिली, रेडियो नहीं मिली, और आपको सपोज एमडी एनेटमी है, एमडी फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, कुछ भी है आपके पास, एमएससी एनटी है, व्हाट एवर इट इज। देखिए, आप लोग ये डीएम जेनेटिक्स करके अपने करियर को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। मैं इसके ग्राउंड रियलिटी और प्रोस्पेक्ट्स पर आपको जल्दी से बता देता हूं। मेरी एक स्टूडेंट है डॉक्टर अंशु, वो कि जो कि उन्होंने एमडी पीडियाट्रिक्स किया मेरे अंडर में, और वो ऑलरेडी बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, और फिर उसने डीएम जेनेटिक्स को चुना एसजीपीजीआई लखनऊ से। अभी वो मणिपाल में बेहद कूल जॉब, बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देश के इसमें दे रही है और मणिपाल में प्रोफेसर है। देखो क्या है एमडी जेनेटिक्स, डीएम जेनेटिक्स का स्कोप। फिर मैंने डॉक्टर अर्पित, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो डीएनबी सुपर स्पेशली न्यूरोलॉजी कर रहे हैं पुणे से, उससे बात की और वो भी आश्चर्य से कहता कि सर ये तो गजब की चीज लिखी हुई कि कोई भी एमडी एमएस इसको कर सकता है। और मैंने इस लिहाज से तो इस एनेक्सर को देखा ही नहीं था, क्या पता मेरा डिसीजन कुछ और होता डीएम न्यूरोलॉजी की जगह। देखो, उसने बताया कि यहां पर एक डीएम जेनेटिक्स है पुणे में, न्यूरोलॉजिस्ट तो बहुत सारे होंगे, पीडियाट्रिशियन बहुत सारे होंगे, लेकिन एक डीएम जेनेटिक्स है जिसका बहुत नाम और बहुत ही इज डूइंग सो वेल, उसने बताया, क्योंकि सारे लोग एंटीनेटल चेकअप के लिए केसेस उन्हीं के पास भेज रहे होते हैं, सारे गायनोकोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियंस सब कुछ भेज रहे होते हैं। कैसे भेज रहे होते हैं, देखो किसी की स्टिल बर्थ हुई थी एक बच्चे की, अब उसको पता करना है उस पेरेंट को कि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोई कंजेनिटल डिफेक्ट तो नहीं था जो मेरे सेकंड बेबी में आ जाएगा। इन लोग पिन पॉइंट करके बता सकते हैं कि कितना पॉसिबिलिटी थी। स्टिल बर्थ वाले बेबी के टिश्यूज सैंपल से ये लोग पता कर सकते हैं कि क्या हो सकता है अगले बेबी में। दूसरा, विभिन्न तरीके जैसे टारगेट स्कैन आजकल होते हैं, टारगेट स्कैन में जैसे कि पता चला कि किसी न्यूबॉर्न की वो नहीं दिख रही है, फीटस की सेप्टम नहीं दिख रही है, नेजल सेप्टम, अब उसको पता करना है कि इसमें कंजेनिटल इफेक्ट होने की कितनी संभावना है, तो इसमें डीएम जेनेटिक्स वाले बहुत रोल अदा कर सकते हैं। प्रोसीजर्स लाइक कोरोनरी विलस बायोप्सीज एंड एमनियन सिंथेसिस और वेरियस लैब रिलेटेड, जेनेटिक लैब रिलेटेड काम ये लोग करेंगे। अभी इंडिया में इनका मेजर रोल मेजर डायग्नोसिस में है, एंटीनेटल डायग्नोसिस में है, लेकिन आने वाले समय में जेनेटिक्स में ब्रेक थ्रू रिसर्च जैसे चल रही है, यदि दो या तीन बीमारियों में भी कोई जीन थेरेपी आ गई तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जेनेटिक्स वाले एक अलग ही लेवल पर होंगे। फॉर एग्जांपल गाउशर्स डिसीज पर या म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस पर या स्पाइनो मस्कुलर एट्रोफी पर, किसी पर भी यदि एक में भी ढंग की जीन थेरेपी आ गई ना तो कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे लोग, क्योंकि हमारी सारी बीमारियों की, डिफरेंट कैंसर्स की जड़ अल्टीमेटली जीन होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स उससे इंटरेक्ट करके वो बीमारी को पैदा करते हैं, तो कैंसर्स में भी इनका रोल है। तो जेनेटिकली और जिस तरह से हमारे जीनोम पर काम चल रहा है रिसर्च में, अब आपको जॉब प्रोस्पेक्ट्स बता देता हूं, इनकी सैलरी वगैरह बता देता हूं। देखो, बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि एम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन और हमारी वेल्थ बढ़ रही है इंडिया की, तो और मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ज्यादा मशरूमिंग हो रही है, तो डीएम जेनेटिक्स की एक एक दो 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 पोस्ट तो हर जगह पर लगेंगी इस तरह के डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए। डीएम इनफर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में जो गायनी वालों के लिए खुल गया है, तो डीएम जेनेटिक्स की उनके लिए भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे करके बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स इंस्टीट्यूट्स में आने वाले हैं। दूसरा, कॉर्पोरेट में आने वाले हैं। कॉर्पोरेट इसमें आप यदि डीएम जेनेटिक्स होते हो, आप पर इन्वेस्ट भी कर सकता है और साथ में आप किसी इन्वेस्टर को लेकर एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जिसमें आपकी अपनी लैब का, क्योंकि वैक्यूम में पूरा इस तरह की लैब की चेन हो सकती है आपके बड़े बड़े शहरों में इंडिया के, या अब्रॉड भी उसको आप कर सकते हैं लेटर ऑन, जो एंटीनेटल चेकअप करके बीमारियों का पता लगा रही हो, विभिन्न तरह की जो ह्यूमन बींग्स पर होने वाली हो, हम यहां तक प्रिडिक्ट कर पाएंगे आगे चल के कि हमें कैंसर होने की क्या पॉसिबिलिटी है और वो भी कौन सा कैंसर। फॉर एग्जाम्पल, आपको माउथ कैंसर होने की ज्यादा रिस्क है तो आपको ज्यादा जरूरत होगी कि टोबेको से दूर रहें, जो अभी एक जनरल इन्फॉर्मेशन, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिंदगी भर स्मोकिंग या टोबेको लेते रहते हैं बट कभी उनको कैंसर नहीं होता, वो वही तो जीन्स का रोल है। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियों में इन लोगों का रोल धीरे 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 बढ़ता जाएगा जिस तरह की रिसर्च आ रही है।
तो इंस्टीट्यूट्स में जॉब्स बहुत सारे रहेंगे जो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या सीनियर कंसल्टेंट के रूप में अपॉइंट होंगे और बढ़ते जाएंगे ऊपर। कूल बहुत है, कोई चिक आजकल का जो लड़ाई झगड़ा और जो वो सब मचा रहता है लिटिगेशन, इसमें जेनेटिक्स में ये सब कोई चक्कर ही नहीं होना है। ना किसी को लिटिगेशन करना है, किसी को कुछ पता ही नहीं है जेनेटिक्स के बारे में, और ना ही कोई लड़ाई झगड़े की बात है। ठीक है, सैलरी अच्छी डिसेंट होगी, इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट आपको इन्वेस्ट करने तैयार होगा। साथ में यदि आप खुद कोई इन्वेस्टर लेकर या अपना पैसा लगाकर लोन लेकर यदि अपनी लैब खोलना चाहते हैं किसी बड़े शहर में, जैसे पुणे के डॉक्टर हैं, और मैं एक और डॉक्टर को जानता हूं, डॉक्टर जालान, वो हालांकि डीएम जेनेटिक्स नहीं है बट उन्होंने एमडी पीडियाट्रिक्स करके बाद में जेनेटिक्स की फील्ड में फेलोशिप वगैरह करके बाहर से सीख कर आए, उनका भी बहुत नाम है, उनकी बहुत बड़ी लैब है मुंबई में जिससे ऑल ओवर इंडिया से उनके पास सैंपल्स आते हैं। तो आप ये जो इसमें कंट्रीब्यूट करोगे ना, तो वो लैब से आपको लाखों करोड़ों की इनकम हो सकती है। अब ये जो 18 नंबर का जो एनेक्सर है, इसको देखो कितना पावरफुल है ये। क्या लिखा है, एनी एमडीएमएस और डीएनबी कैन डू इट। इसका मतलब है कि आप एमडी फार्माकोलॉजी करके, जिसमें सिर्फ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में डीएम अवेलेबल है, आपके लिए एक और डीएम आ गया। एनेटमी में जो कि कोई डीएम नहीं मिल रहा था आपको, फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, नाउ यू कैन डू इट। आप दुखी थे कि आप क्लिनिकल पार्ट में नहीं जा पाए अपनी बिलो रैंक की वजह से, आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट के टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचने की दोबारा चांस है। मतलब फिर से क्लिनिकल सिनेरियो में आप अपनी एनेटमी कंप्लीट कीजिए और ये कर लीजिए। आप गायनी में आपको मजा नहीं आ रहा, सर्जरी में मजा नहीं आ रहा, आपको लगता है आप अच्छे सर्जन नहीं हो या हेक्टिक इतना झेल नहीं पाओगे, आप बढ़िया सा अपना इनफर्टिलिटी क्लिनिक डीएम जेनेटिक्स करो और इनफर्टिलिटी क्लिनिक डाल लो, और साथ में ये सब एंटीनेटल डायग्नोसिस का पूरा क्लिनिक डाल दो। इतने सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, इतने सारे जॉब्स के, फिर अब अपॉर्चुनिटीज हैं। अब आता हूं रिसर्च पर, ये क्योंकि हमारी बहुत सारी बीमारियों में जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, तो रिसर्च में आप बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप यहां से पढ़कर एक डेवलप्ड कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कहीं पर जाकर, अमेरिका में जाकर, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, जर्मनी में जाकर रिसर्च में कॉन्ट्रीब्यूट करके नोबल भी जीत सकते हैं। और किसी को नोबल मिल जाए ना, तो मुझे एक मैसेज प्लीज ड्रॉप कर देना यार, कोई भरोसा नहीं करेगा कि तुम लोग फिर मुझे तो भाव नहीं दोगे ना, तो मुझे जरूर एक 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 थैंक लिख देना भाई कि आपने ये बताया था। ठीक है, तो ये सोचो कि किसी को ये पता नहीं है इस फील्ड के बारे में, इसमें कितना बड़ा लोअर एंड एज वेल एज हाइएस्ट प्लेसमेंट का, लोअर ही एक डिसेंट लेवल पर है और हाइएस्ट तो फिर नोबल तक जा रहा है, नोबल प्राइज तक जा रहा है या आपके कॉर्पोरेट चेन तक जा रहा है। तो इसको जरूर एक्सप्लोर करूं, और यदि मैं कहीं टेक्निकली, अभी तो मेरे लिए अविश्वसनीय है कि इन्होंने इसको इस तरह की लिस्ट में डाला है कि कोई भी एमडीएमएस इसको कर सकता है, एमएससीएनटी भी डीएम जेनेटिक्स हो सकता है, दिस इज अनबिलीवेबल टू मी। एक बार चेक करो कहीं मैं कोई टेक्निकल गलती तो नहीं कर रहा हूं। मैंने अपनी ओर से एक्सप्लोर किया तो मुझे कोई गलती नहीं लगी। अर्पित जो कि खुद डीएनबी सुपर स्पेशली कर रहा है, उसे गलती नहीं लगी, उसका भी मानना है कि नहीं सभी लोग इसमें एलिजिबल लग रहे हैं। तो इतनी पावरफुल ब्रांच हीरा थी जो कहीं छुपी बैठी थी, कोयला बनकर, जिसे लोगों को पता नहीं था। तो मैं आपको आज से अपने सारे दुख खत्म कर दो कि आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है, आपको मनपसंद नहीं मिल रही है। टारगेट करो डीएम जेनेटिक्स को यदि आप अपनी ब्रॉड स्पेशलिटी से दुखी हैं। तो साथ ही साथ में मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस बार कि मेरी टॉप मोस्ट तीन ब्रांचेस कौन सी हैं मेडिसिन साइड की, और टॉप मोस्ट तीन ब्रांचेस सर्जिकल साइड में कौन सी हैं। इस पर मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगा, यदि मैं इंटर्न होता तो मैं क्या चुनता आज के और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को, फ्यूचर सिनेरियो को देखते हुए। हमारे यहाँ पर मेडिकल में इस तरह की काउंसलिंग की कोई सेल नहीं है जैसे कि इंजीनियरिंग में और एमबीए में होते हैं, वहां पर लोग अपने प्रीवियस एलुमनाई से बच्चों को मिलवाते हैं, हमारे यहाँ सब नहीं है। तो मैं इसी गैप को फिल करने का काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इस गैप को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, हाँ मेरे से कहीं टेक्निकल कोई गलती हो जाए मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, पिन कमेंट में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे कि मेरे पीडिया वाले वीडियो में मुझे पता ही नहीं था एनएमसी ने इतना बड़ा चेंज किया है कि गैस्ट्रो को से लिस्ट से, डीएम गैस्ट्रो की लिस्ट से हटाया, अदरवाइज मैंने वीडियो में बोला होता तो मैंने इसको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया। तो मैं अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करता हूं और हर ब्रांच का दूसरी ब्रांच पर एडवांटेज होता है, तो इस बात से मत चिढ़ा करो कि मैंने पीडिया के कुछ एडवांटेज है मेडिसिन के बारे ऊपर बता दिए तो मैं बायस हो गया पीडिया के लिए। नो, मेरी फर्स्ट ब्रांच अभी भी मेडिसिन, एमडी मेडिसिन है, मैं कई बार बोल चुका हूं कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, लेकिन
पीडिया जो है उसके डिस्टिंक्ट एडवांटेज है मेडिसिन के ऊपर, तो वो तो साइकेट्री के डिस्टिंक्ट एडवांटेज है पीडियाट्रिक्स के ऊपर। और साथ ही साथ मैं एक लाइन बोल जा रहा हूँ जिस पर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो कभी बना दूंगा कि मोस्ट अंडररेटेड ब्रांच मैंने एनेस्थीसिया बोली थी, तो मोस्ट ओवररेटेड ब्रांच इस समय मेडिकल की है रेडियोलॉजी। क्यों है ये खुद एक्सप्लोर करो या मुझसे रिक्वेस्ट करो कि मैं एक वीडियो मोस्ट ओवररेटेड क्यों है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और मैंने अपने रेडियोलॉजिस्ट फ्रेंड से, दो रेडियोलॉजिस्ट फ्रेंड से डिटेल चर्चा के बाद ये लाइन बोली है कि इस समय ये मोस्ट ओवररेटेड है, बहुत सोच समझ के इसको लेना यदि आपकी टॉप रैंक है तो। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप शेयर करेंगे और मुझे फीडबैक जरूर देंगे, और खुद भी एक्सप्लोर करके बताना कुछ टेक्निकल नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो।